नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, और यह चर्चा उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गई जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि भारत परमाणु हमले की उस पुरानी नीति में बदलाव करने की सोच रहा है, जिसमें वो हमेशा ये कहता रहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो भारत पाकिस्तान पर पहले परमाणु हमला कर सकता है। इसी गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर के एस कहलो के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा है युद्ध का खतरा। भारत पाकिस्तान के बीच हो सकता है परमाणु युद्ध। भारत पहले कर सकता है परमाणु हमला। पाकिस्तान पर कर सकता है परमाणु हमला। भारत ने किया है परमाणु पॉलिसी में बदलाव। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया गहन चर्चा कर रही है। पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप मच गया है, और इसकी तस्दीक हुई है एक अमेरिकी अखबार में छपी उस खबर से जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात पैदा हुए तो भारत पहले परमाणु हमला कर सकता है। अखबार का दावा है कि भारत अपनी नीति में बदलाव ला रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 31 मार्च को आए आर्टिकल में इस परमाणु हमले की आशंका जताई गई है। भारत की नीति में बदलाव न सिर्फ परमाणु हथियारों पर उसकी बदली हुई सोच को दर्शाता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि अपनी रक्षा के लिए भारत पुरानी कल्पनाओं को छोड़ने पर विवश हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी की ओर से एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी तरफ इशारा किया गया। न्यूक्लियर पॉलिसी से जुड़ी इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि भारत का पहला हमला शहरों पर केंद्रित नहीं होगा, और इस हमले का निशाना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का ठिकाना होगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत की नीति में बदलाव का पहला इशारा पिछले साल नवंबर में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान से मिला। पर्रिकर ने सवाल खड़ा किया था, आखिर क्यों भारत को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पहल करने से खुद को रोकना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपना निजी नजरिया करार दिया था। पर्रिकर के बाद पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने भी माना कि किसी परमाणु ताकत संपन्न देश के खिलाफ भारत न्यूक्लियर हथियार कब इस्तेमाल करेगा, इससे जुड़ी स्थितियां साफ नहीं है। इन विचारों के बाद न्यूक्लियर एक्सपर्ट ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सिद्धांतों को नई दिशा दे रहा है। इन अटकलों को उस वक्त और ज्यादा बल मिला जब विश्व प्रसिद्ध परमाणु मसलों के विशेषज्ञ विपिन नारंग ने वॉशिंगटन में आयोजित इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रखी। नारंग के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ सकता है अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ किसी भी तरह का न्यूक्लियर हमला करने की योजना बना रहा है, तो वो पहले ही परमाणु जंग छेड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएचवन न्यूज। तो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इस खबर के बाद सकते में है कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन सकता है जो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। जो पुरानी नीति भारत की चली आ रही है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जब तक भारत के ऊपर परमाणु हमला नहीं होता तब तक भारत किसी दूसरे देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा, क्या इस नीति को हिंदुस्तान बदलने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की ओर से जिस तरह बार बार ये धमकी दी जाती है कि भारत पर परमाणु हमला कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में, इसके बाद भारत ने क्या ये तैयारी कर ली है कि पाकिस्तान को इसका मौका ही नहीं दिया जाएगा, और अगर भारत को लगेगा कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है तो इससे पहले ही हिंदुस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासकर अमेरिका से न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबरें छप रही हैं, इसके बाद अमेरिकी थिंक टैंक जो बार बार बयान कर रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में इस बारे में चर्चा हो रही है कि भारत अपने पुराने रुख को बदलने वाला है, और किसी भी हमले की सूरत में अगर आशंका भी इस बात की हिंदुस्तान को होती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, तो क्या भारत ऐसी स्थिति में पहले ही हमला करेगा और अपनी पुरानी नीति से हट जाएगा? इस पूरी खबर के बाद पाकिस्तान में भी सनसनी फैली हुई है। क्या करेगा पाकिस्तान?
बार बार पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो धमकी देते रहते हैं कि भारत आंख ना दिखाए, हमारे पास परमाणु बम है। बार बार भारत की ओर से कहा जाता है कि अगर ऐसी कोई गलती पाकिस्तान करेगा उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई गलती करने का मौका ही भारत ना दे और इस आशंका के सामने आते ही कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है उसके ऊपर भारत पहले ही हमला कर दे, इस बारे में फिलहाल चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के साथ भारत ने अतीत में कई युद्ध लड़े हैं, आज भी पाकिस्तान भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ता रहता है। इसके बाद क्या भारत को अपनी नीति बदल देनी चाहिए? थिंक टैंक्स जो कुछ सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं? क्या भारत ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने मुंह बाकर खड़े हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के बाद भारत परमाणु बम इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश बन सकता है। यह बात कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कह रही है। दुनिया भर पर नजर रखकर सारी सूचनाएं पेंटागन को देने वाली अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स ने इस बार पेंटागन को भारत के बारे में ऐसी सूचना दी है जिससे पूरी दुनिया सकते में है। पेंटागन को दी गई खुफिया सूचना का टाइटल है कि अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश हो सकता है जिसने किसी परमाणु बम का उपयोग किया। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों जिस तरह का गर्म माहौल चल रहा है, CIA ने इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो पेंटागन को सौंपी है। इसमें CIA ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की आक्रामकता पर पेंटागन को सतर्क किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामकता को देखते हुए CIA बहुत सतर्क है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद गोली नहीं होगी बल्कि बम होगा। युद्ध अगर लड़ा जाएगा पीएम मोदी की ओर से, जिस तरह के वो नेता हैं, जिस तरह की आक्रामकता उनके अंदर है, तो शायद ये युद्ध निर्णायक तौर पर लड़ा जाएगा। हालांकि परमाणु युद्ध अगर होता है तो दोनों देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत को अपनी नीति में बदलाव लाना चाहिए और जो सुर्खियां इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर KS कहलो जी, उनसे बातचीत करते हैं। कहलो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका MHR न्यूज में। कहलो साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में एक खबर बहुत चर्चा में है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है कि भारत अपनी पुरानी नीति को बदल सकता है, जिसमें उसने कहा है कि जब तक उसके ऊपर कोई परमाणु हमला नहीं होता तब तक वो किसी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। रक्षा मंत्री भी इस बारे में कह चुके हैं, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या भारत ऐसा कोई फैसला कर चुका है और अगर नहीं किया है तो क्या भारत को कोई ऐसा फैसला करना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, भारत ने सन 2003 के अंदर न्यूक्लियर नॉन यूज फर्स्ट यूज द पॉलिसी अख्तियार की बनाई, मगर उसके अंदर एक चीज़ तो है कि ठीक है, हम परमाणु शक्ति का युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहलकदमी नहीं करेंगे, मगर अगर हमला होता है किसी भी मुल्क से तो उसका बड़ी गंभीरता से, बड़ी शक्तिशाली ढंग से उसका जवाब दिया जाएगा। ये है हमारी पॉलिसी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उसके बाद चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिवशंकर मेनन ने भी अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है कि भाई इसकी अंदर कुछ ग्रे एरियाज़ हैं पॉलिसी के अंदर जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिसको एकदम शुरू से फिर उसके विचारण की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। मैं समझता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो भी इसकी धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई संकोच नहीं करेंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इसके बाद रक्षा मंत्री, पुराने रक्षा मंत्री ने भी, मनोहर पारिकर ने ये बात सरकारी तौर पर अपने विचार प्रकट किए कि इसको रिव्यू करना चाहिए, ऐसे करके बात की उसको, तो बात सही है। मगर जो हमारे इस मैं समझता हूँ कि सिलसिले में इस जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे जो
रक्षा विश्लेषक है वो जो है विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, जो उच्च अधिकारी हैं, कि क्या इसका रिव्यू होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसके अंदर विचार करने में, इसके अंदर रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, खास तौर पर, विशेष तौर पर जो पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सरताज अजीज ने ये बोला है, उन्होंने बोला है कि धमकी भी दी कि हमने कि अगर 2001 के अंदर जबकि हमारी पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, तो कहते हैं हमारी अगर पॉलिसी ये ना होती, पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी है उनकी, तो जंग छिड़ जानी थी। इसलिए वो बोलते हैं हमारे पास एक किस्म का बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसका विचार है। तो हमने सारी चीज़ों को देख के इसके रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ख़ास तौर पर जो पड़ोसी मुल्क हैं और विशेष तौर पर हमारे हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसके अंदर जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर स्थिति है। उसके अंदर पाकिस्तान की फौज है, ISI है जो कंट्रोल करती हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं और जो के जिनकी निगाह टिकी हुई है पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन के स्टोरेज हैं, ठिकाने हैं उनके ऊपर। इसलिए हमें खतरा तो है कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर इसका फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमें इस पॉलिसी को रिव्यू करना जायज़ होगा। बिल्कुल कैलो साहब, एक बात और भी कही गई, CIA ने भी पेंटागन को एक रिपोर्ट सौंपी थी और इसका शीर्षक इस तरह का था कि भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला देश बन सकता है। और इस खबर के पीछे तर्क यह दिया गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद तल्ख हैं, जिस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित पाकिस्तान बार बार कर रहा है और युद्ध की स्थिति आती है तो शायद नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेहद आक्रामक प्रधानमंत्री हैं, उनको गोली नहीं बम से लड़ाई करना ज्यादा पसंद आएगा। तो क्या मोदी की आक्रामकता भी इस ओर दुनिया का ध्यान खींच रही है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मौका ना दें पहले परमाणु बम इस्तेमाल करने का? देखिए, अमेरिका के बाद एक्चुअली चाइना भी आता है, जिसके बाद परमाणु शक्ति के बहुत सारे उनके खजीरे हैं, उनके पास बहुत सारे भंडार हैं, और चाइना ने ही मदद की है, नॉर्थ कोरिया ने भी किया, पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस ऊपर विचार कर रहे हैं कि उनको मौका ना दिया जाए, क्यों? अगर वो कोई परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, परमाणु शक्ति अगर एक तो है कि हम जो है बैटल फील्ड के अंदर जो हमारे हथियार है बहुत थोड़े एरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टैक्टिकल वेपन्स बोलते हैं, वो एक चीज़ है। मगर अगर वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल, बम हैं, मिसाइल्स हैं, ग्राउंड से है, एयर से है, समुद्री बेड़े से हैं, तो अगर इस्तेमाल तो उसका गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने किया अगर ऐसा, तो हमारे बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं, जो हमारे शहर हैं, हमारे बहुत सारे वल्नेबल एरियाज, हमारे ऐसे पॉइंट हैं, हमारे ऐसे भंडार हैं, हमारी ऐसी बहुत सारे स्ट्रेटजिकल एरियाज हैं, तो उसके ऊपर अगर हमला हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमारी पॉलिसी जो है, नरेंद्र मोदी शायद इस पर विचार कर रहे हैं कि हमने तो पॉलिसी डिक्लेयर करनी है कौन सा लड़ाई लड़ने अभी जा रहे हैं। ये तो परमाणु युद्ध जो होगा ये बड़ा खतरनाक भयंकर युद्ध होगा किसी भी देश के अंदर, सिर्फ हमारा और खिलौना नहीं, अगर इस्तेमाल किया जाता है तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, हिंदुस्तान को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बड़े व्यापक पैमाने पर नरसंहार हो सकता है। ऐसे में परमाणु बम का इस्तेमाल अगर होता है किसी युद्ध में शायद वो मानवता के लिए भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन जो स्थिति इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान की जो हरकतें सामने आ रही हैं, क्या उसके बाद भारत को पॉलिसी बदलनी होगी, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। बस छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम कहलो साहब से इस बात की चर्चा भी करेंगे, क्या वक्त आ चुका है कि भारत को अपने तमाम जो बड़े शहर हैं उनको सुरक्षित भी करना पड़ेगा परमाणु हमले को लेकर, क्या इसकी भी जरूरत है? बस छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।